हमारे सभी अभिभावकगण और इस विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथी और कल्याणपुर तालुका के आसपास के घरों से जो इस प्रोग्राम की आवाज को सुन रहे हैं वो सभी नगरवासी और फिर विद्यालय के समस्त मेस कर्मचारी और अदर कर्मचारी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं सविता पाठक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज हमारा पूरा देश इस गणतंत्र दिवस के त्योहार को बड़े ही गौरव मान और सम्मान के साथ मना रहा है। इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब है कि किसी देश को चलाने के लिए जो नियम एवं कानून होते हैं उन नियम एवं कानूनों को आज लागू किया गया था कि किस तरह से हमारे देश का शासन चलाया जाए। आप सभी को विदित होगा कि हमारे देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए बहुत संघर्ष किए थे, बहुत बलिदान दिए, बहुतों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया और बहुतों ने काला पानी की यातनाएं सही थी, परंतु उन्होंने ही हमको बताया कि आजादी का मतलब क्या होता है। एक देश जो गुलाम था, जहां के सारे रिसोर्सेस थे, जहां की सारी इकोनॉमी थी, जहां की सारी फोर्स थी और उसी देश के ऊपर कुछ चंद लोग यूरोप से आकर शासन कर रहे थे, जो हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे, हमारे देश का धन लूटकर अपने देश ले जा रहे थे। हमारे देश में राजाओं का शासन था। राजा आपसी प्रतिद्वंदता मन मुटाव के कारण उन्होंने देश को अंग्रेजों के हाथ में गुलाम बना दिया और अंग्रेजों से भारत को आजाद दिलाने के लिए जो जन जागरण था, उस जन जागरण ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के दौरान हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के तहत यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम प्रति वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। परंतु हमको आजादी 15 अगस्त को मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इस कारण हमारा स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। परंतु 26 जनवरी को याद करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि इस दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे। जिस देश का संविधान नहीं होता वह देश लोकतांत्रिक नहीं कहलाता। आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड भी एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु इंग्लैंड गणतंत्रात्मक देश नहीं है, हमारा देश गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि जो देश का सर्वश्रेष्ठ मुखिया होता है वह हमारे देश का राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। इस कारण हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश होने के साथ साथ एक गणतंत्रात्मक देश भी है। इंग्लैंड लोकतंत्रात्मक देश है परंतु गणतंत्रात्मक देश नहीं है, क्योंकि वहां राजा
देश के प्रमुख के रूप में अभी भी विराजमान है। आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड में महारानी का शासन है। हालांकि संसद की सारी बातों को महारानी मानती है, परंतु हमारे देश का जो मुखिया होता है वो प्रति 5 वर्ष के बाद बदला जाता है। तो इस प्रकार यह सब संविधान के कारण ही हुआ और आज हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप आज के जमाने में ये हमारा देश का 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश की आजादी को अब बुढ़ापा आ गया। आप जानते होंगे कि एक बच्चा जब छोटा होता है 20 साल तक हम उसको बालक ही मानते हैं, फिर इसके बाद 50 साल तक हम मानते हैं कि वो प्रौढ़ हो गया और इसके बाद आगे के सालों में हम ये मानते हैं कि वृद्ध हो गया। हमारा देश बहुत भाग्यशाली है और हम उससे भी ज्यादा भाग्यशाली है कि हमने इस देश में जन्म लिया। हमारे देश को आज आजाद हुए तो ज्यादा साल हो गए हैं, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, परंतु गणतंत्र लागू हुए 71 साल हो गए और आज भी हमारे देश में इस लोकतंत्र के लिए कोई खतरा पैदा नहीं। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि कभी वहाँ सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ का नाम सुना होगा आपने, है ना, और अयूब का नाम सुना होगा। वहाँ सत्ता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कभी लोकतंत्र आता है कभी तानाशाही शासन आता है, परंतु हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है और हमारा देश अनवरत इस दिशा में विकास कर रहा है। तो हम सभी, आप सभी अपने बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर आनंदित होइए और आप यह अनुमान लगाइए कि आपके बच्चे वास्तव में बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं और इन हाथों से आगे जाकर आपके जो बच्चे हैं, आपके जो नौनिहाल हैं, वो एक सुयोग्य नागरिक बनेंगे। धन्यवाद।